एक तेज रफ्तार ओडी कार का कहर देखने मिलिया जिसने कि सड़क के उत्ते सैर कर रहे एक परिवार को टक्कर मार दी। टक्कर इन्नी जबरदस्त सी कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके नाल जो औरत सैर कर रही थी उसनू उड़ा के खेतों के मारिया। इस दे नाल एक बच्ची भी सैर कर रही थी जिसने मसा ही अपनी जान बचाई है। हालांकि इस हादसे तो बाद जो ओडी सवार सी दोवें वो मौके तो फरार हो गए ने, पर कार नू लोकां दे वल्लों काबू जरूर कर लिया गया। तो यह तस्वीर सामने आई ने जिथे कि एक तेज़ रफ्तार ओडी कार का कहर देखने को मिले जिसने कि एक व्यक्ति नू टक्कर मारी जिसकी कि मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि हादसा इन्ना भयानक दसिया जा रहा है कि जो व्यक्ति है उसके शरीर से दसिया जा रहा है कि कई हिस्से हो जाते हैं। हालांकि औरत नू भी काफ़ी गंभीर सट्टा लगिया ने ते उसनू इलाज के लिए हस्पताल से दाखिल करवाया गया। मौके के उत्ते पुलिस पहुंची है ते मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ते मामला एक करनाल तो सामने आया जिथे कि एक तेज़ रफ्तार काले रंग की ओडी कार का कहर देखने को मिले सड़क के उत्ते सैर कर रहे लोगों को टक्कर मारी है जिस दे विच एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। तो हादसे दी तस्वीर भी सामने आई ने जिथे कि वड्डी गिणती दे विच लोग पहुंचे ने, कार नू काबू कर लिया, तो पुलिस भी हुण मौके ते पहुँच के जांच शुरू कर दी है। दो बंदे जा रहे थे, ये देखा इसके बाद यहाँ देखा, यहाँ एक औरत बोल रही बचाओ बचाओ, तो अंदाजा नहीं लगाया कि तो मतलब कुछ ना कुछ करके भाग रहे वो लोग? नहीं नहीं पता नहीं चला मेरे को, बाइक गिरे होंगे, बाजू पकड़ी थी एक ने, भी चलो चोट लगी होगी, चोट लगी होगी। मैं पूछ रहा भाई क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, आगे से बोले ही नहीं। लोकल सन मुंडे, ये अपना जी अपना थे। मैं तो जी अंदर था, टीवी देख रहा था जी, जी एकदम एक खड़ाका सा होया ना, ये लगी गाड़ी जी, तो लेडी जो ठीक थी और उसने रौड़ा कराया बचाओ 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 जी। मैंने देखा दरवाजे, फिर मैं उतर के भाग के आया, इतने में तो ये मुलाजिम भी आ गए थे। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो क्या स्थिति मिली उस टाइम मौके पे, कहाँ से एक्सीडेंट हुआ? मौके पे जी ये लड़का तो यहाँ इसकी गाड़ी के ऊपर पड़ा था, पैर इसके यहाँ पड़े थे। इनकी कितनी उम्र थी लगभग? इसकी उम्र तो होगी जी 35-40 के। 35-40 के, परिवार के और सदस्य भी थे? हाँ जी, एक इसकी भाभी थी एक भतीजी थी। अच्छा, वो चिल्लाए? हाँ जी, वो उधर पड़े थे, उनकी टांग एक की तो कट गई, एक भतीजी की टूट गई टांग एक जी, सड़क पर घूमने के लिए आए थे, बेहोशी में थे ये। ओ भाई, ओ पुल के पास वहाँ से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी यहाँ तक लेकर गाड़ी यहाँ ये ऊपर डह पड़ा ना, तो फिर वो छोड़ के भाग गए जी, छोड़ के भाग गए। फरार शीशा आगे था, उनको दिक्कत दिखा नहीं कुछ, तो फिर छोड़ के भाग गए। बच्ची है, मेजर एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट, इसमें एक लेडीज दोनों इंजर्ड हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जो जेंट्स था वो ज़्यादा सीरियस था, वो डॉक्टर बताएंगे, डेड है नहीं है, कोशिश की है, उसको भी GH असंध में भेज दिया। सर जो गाड़ी वालों को पता नहीं इनका चोट है या क्या, ये अभी मौके पे नहीं है, मिले नहीं, कोई नहीं मिले। तो सर ये कारण पता चले इसमें क्या हुआ है? ये तेज चल रही स्पीड की वजह से ही हुआ है, बाकी ये वॉकिंग कर रहे थे, शाम के टाइम घूम रहे थे सड़क के किनारे, वो यू टर्न किया या क्या किया, वो मौके पे हम मौके भी थे सामने से, ये नहीं पता लगा कि सामने क्या हुआ। सर इतना भयानक हादसा था कि बॉडी पार्ट्स भी ढूंढने पड़े? बॉडी पार्ट मैंने ढूंढे खुद, मेरे साथ मुलाजिम थे गांव वालों के, शौक से सब हॉस्पिटल में भेज दिए, कोई ऐसी बात नहीं। अभी बाकी डॉक्टर उनको दुआ करते हैं कि भगवान उनको स्वस्थ करे। ठीक सर, साहब सिंह की मौत हो गई ऐसी जानकारी? डॉक्टर बताएंगे, शायद डेड हो गया, मौके पर ही डेड बॉडी निकाली है, अभी डॉक्टर हॉस्पिटल भेजा जैसा। क्या कुछ कार्रवाई सर की जाएगी? अभी देखते हैं, रुक कर जहाँ से भी प्राप्त हो गए नियमानुसार कार्रवाई अमल लाई जाएगी। कोई जानकारी सर गाड़ी वालों के बारे में? गाड़ी वालों के बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं।